तो ये एक टॉपिक टौ पर है रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक पैसेज दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं इसी तरीके से और भी पैसेजेस हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगी उसको आपको कॉपी में करना है गुड मॉर्निंग बेटा कंटिन्यू द क्लास देखिए पहला पैसेज है ये वाला पैसेज मैंने करवाया है ये आपको कॉपी में करना है रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक पैसेज मैं, मैंने करवा दिया है बाकी के पैसेजेस आपको खुद करने हैं देखिए ये है वेलकन एंड हिज इन्वेंशंस ये पैसेज स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ पर एंड होता है और फिर ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है उस पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं आप उसमें से ढूंढ करके आपको लिखना होता है वैसे तो यहाँ भी एम सी क्यूज है फिर ये है क्वेश्चन आंसर्स ये सब आपको करना है ठीक है नेक्स्ट है डबल बर्निंग ये भी एक पैसेज है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेशन होंगे अभी पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने होते हैं ये होता है अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रीहेंशन उसके बाद नेक्स्ट है आर लॉयल फ्रेंड्स इसके ऊपर है पैसेज देखिए ये नेक्स्ट है ठीक है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट जो रविंद्रा टैगोर वाला पैसेज था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ये लिखवाए आंसर वन आंसर टू आंसर थ्री आंसर फोर एक बार मैं रीड कर दे रही हूं फर्स्ट क्वेश्चन था रवीन विच वॉज रवीन्द्रना टैगोर हु वॉज रविन्द्र टैगोर एंड वॉट डिड ही लाइक इसका आंसर है रविन्द्र टैगोर वॉज अ पोए राइटर म्यूजिशियन एंड अ फिलॉसफर ही लाइक द पोएट्री एंड म्यूजिक ये पूरा आंसर आपके पैसेज में ही था नेक्स्ट है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था स्ट पोयम वेन डिड ही राइट इट हिज फर्स्ट पोयम वॉज बनफूल ही रोट इट वेन ही सारे आंसर आपके पैसेज में होते हैं आपको ढूंढना है फिर उसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड वॉज गिवन टू हिम इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी थ्री नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन एंड फॉर व कौन सा अवार्ड रबींद्राथ टैगोर को दिया गया था द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज गिवेन टू हिम इन हंड्रेड थर्टीन फॉर हिज बुक गीतांजलि किसके लिए दिया गया था गीतांजलि एक बुक के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पे दिया था विच वॉट वॉज रबीन्द्रनाथ टैगोर ओपिनियन अबाउट एजुकेशन ये भी आंसर आपके पैसेज में है रविन्द्रनाथ टैगोर बिलीव दैट एजुकेशन वॉज द ओनली मीन्स थ्रू विच इंडिया गुड प्रोग्रेस ठीक है इसी तरीके से आपको क्या करना है पहले आप पैसेज उतारेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन वन करके लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे जो मैंने दिखाया है फिर क्वेश्चन टू फिर आंसर तो इसी तरीके से सारे पैसे ये पैसेज आप कर लेंगे उसके बाद सारे पैसेज मैंने दिए दो तीन ही हैं वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है मैंने पहले दिखा दिया था पैसेज अगर किसी के पास बुक नहीं हो तो लिख सकता है वो फिर उसके बाद आप इसको उतार लीजिएगा और जो एग्जाम में आएगा क्योंकि ये अनसीन पैसेज होता है तो एग्जाम में मैं जो दूंगी वो इन चारों में से नहीं होगा ठीक है वो आपको शॉर्ट पैसेज होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको बस इसमें प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं और जो भी क्वेश्चन रहता है उसका आंसर सब पैसेज में होता है तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको कंप्लीट इसको कॉपी में उतार लीजिएगा पूरा ठीक है चलिए आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास आज मैं इसी चैप्टर को सिर्फ पढ़ाऊंगी अच्छा। आप लोग अपना काम कंप्लीट रखिए यस बोलिए लवनया हाँ बेटा सारे पैसेज करने हैं इसमें तीन पैसेज एक्स्ट्रा है जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए बाकी एक पैसेज मैंने कर दिया है उसको आपको कर लेना है कॉपी में ठीक है और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं लेकिन पहले खुद से कोशिश करिएगा क्योंकि सारे आंसर आपके पैसेज में ही होंगे अनसीन okay, पैसेज का मीन यही होता है इसको आप मैं क्लास को एंड करी हूं, आप यूट्यूब को फॉलो करके इसको कम्प्लीट कर लीजिएगा अपना वर्क ओके गुड डे बेटा गुड डे